पाब्लो नेरुदा एक था आखदा है कि जो किताबां थानू सोचण लई जिन्ना ही ज्यादा मजबूर कर दिया हन वो थोड़े लिए उन्निया ही ज्यादा मददगार साबित हुंदिया हन। सीखण दा सब तो मुश्किल ढंग हुंदा है आराम तलबी नाल पढ़ना, पर किसी महान चिंतक दी लिखी एक किताब विचारां दे एक अजिहे जहाज की तरह हुंदी है जो सच्चाई अते खूबसूरती नाल तुन के भरिया हुंदा है। किताबां कि यह दिमाग दियां घड़ियां गल्लां दा समूह है या दिल चोगे जज्बात जा वेग दी भीड़ है, कि यह विज्ञान ते ज्ञान विचली सांझ है या साहित दा इकट्ठ है जो सबना दे हित दी गल सांभी बैठियां ने। किताबां आखो ता वेल पुणी दियां गल्लां ने, किताबां आखो ता ज्ञान दी आखरी तय भी है जो साडी निगाह तो ओले हुंदा है और जो किसी साहित्यकार दे ध्यान पिया ता सत्तरां दी अखरां दी भाव दी गोदी च उठिया उदों एक सार्थक ते मारभूत इकट्ठ दा जन्म होया। निगाह दूर ती इक मारीए ता वेदां दी रचना किताबां दे रूप च हुई पहली रचना मनी गई है जो कि अकाल पुरख दे सां भी आखे जांदे ने। रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब अते आदि अंत दियां सब इह किताबां दा रूप धार कवितावां, वार्तक, नज़मां, दोहे, श्लोक, सोल्टा, दवैया, चौपाई, बाणी आदि दी सृजना दा आगाज बनी ते होर बड़ा कुछ इस राही साडे ती कपड़िया कि कदे कदे इह नहीं लगदा जिवें एक असीस ने जिवें जंगलां च उतरी देह चों रूह तिलक तिलक जांदी है, जिवें हवा च जिन्नियां वी परतां ने उह खुलदियां जांदियां ने, जिवें मत दी सीमित शक्ति दा दायरा फुट के आसमान दी खुल जिड्डा हो जांदा है। हुंदियां इह ओही आलियां भोलियां पछाणियां ते शाही शब्दां दियां मजलिस ने, पर किताबां राही इवें साडी मत थाइयां पड़दियां ने कि जो एक वारी तां सिर हिला दिंदियां ने। किताबां जिंदगी नूं जिउण दिंदियां ने, अखां नूं नगाह दिंदी है, दिमाग नूं सोच, दिलां नूं धड़कन, रूहां नूं सुकून, अहसास ते इबादत वर्गा विस्मादी चिंतन। जिवें असीं हवा तो सांह बना लैंदे हाँ, पानी तो प्यास, मिट्टी तो भांडे, अग नूं शगन ते धरत नूं नवें आकारां दे उपज दी किरिया, बस कुछ इहो जिही हुंदी है किताब जिस विच किकरां दे फुल खिड़दे ने, जो समयां नूं पन्नियां च बन लैंदी है, जो विचारां तर्कां अचेत ते आमद तक दे शब्द सांभी बैठी है। किन्नी वड्डी गल है किताब सुनी है मैं बोलदी और जिहड़ी चुप्पां नूं है तोलदी। अरशां दियां छावां, मावां ते दुआवां जिहड़ा हथ हुंदा है किताबां दा साडी मत्तां ते, बिना महर दी नज़र तो वारिस ही नहीं सी लिख सकदा। बाबे नानक ने भी किन्नी ही बाणी कुदरत नूं मुख रखदिआं लिखी। रामायण नूं लिखण लग्गिआं वी वाल्मीकि दे सिर ते ब्रह्म देवता दे ज्ञान दा हथ सी। कोई भी किताब खुली नज़र, इबादत ते टेके गए मत्थे तो घट नहीं जे असल किताब दा अर्थ माणीए तां। तुहाडे हत्थां च लई किताब किन्नियां ही धुप्पां दा राज, हड्डां दी थकावट, ध्यान दा सिट्टा हुंदियां हन, ते असल किताब च बेशक कुछ ना कुछ पाठक दी नज़रां तो लुकिया हुंदा है, पर उहनूं जानण समझण लई भी कई वार सानूं उस हद तक जाके सोचना पैंदा है। जिवें एक थां रसूल हमजा तो अपनी किताब मेरा दागिस्तान च बोलदा है कि हर किताब विच कोई इस तरह दा तवीत होना चाहिदा है किते नज़र तो परे पाठक दे अंदाज़ा लाउण लई कि इह की है। किताबां सिरजना दा आधार ने, पहलां किताबां तुहानूं सिरजदियां ने, फिर तुसीं किताब सिरजदे हो। इहनां चों लंघदिआं साडे विचारां ते साडे पूर्ण तत्तां दा नवां जन्म हुंदा है। ओशो ने अपनी जिंदगी विच लगभग 1.5 लाख किताबां पढ़ियां। हर लेखक पहला पाठक हुंदा है। किताबां च विचारां दी खुल, सुतंत्रता, पक्ष, नज़रिया अते वक्खरता दी पेशकश इहनां दी खासियत है। जे साडे कोल एक पासे पूरन सिंह दी लूणा है तां दूजे पासे शिव कुमार दी, साडे कोल पाश दी बेबाकी दीआं कवितावां ने। वॉल्ट विटमन, जिसने हड मास ते देह नूं ही एक वड्डी कविता दस्सिआ है, ते कई सुरजीत पात्र दीआं किताबां कुदरत नाल संबोधन हो के पेश हुंदीआं हन। विलियम शेक्सपियर, जो समाज ते लोकां नूं अनुभव करके नाटक लिखदा रहा है। तो
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਲੇਖਕ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਖਰਤਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਖੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਕਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਵਿਚਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖੂਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੰਮਦੀ ਹੈ, ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਅਤੇ ਧਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਪਿੰਜਰ 'ਚ ਪਏ ਮੋੜ, ਆਕਾਰ, ਵਿਹਾਰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ ਪਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।